अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सूजी और हरे मटर से एक हेल्दी सा नाश्ता। ये हेल्दी स्नैक्स आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में आप फटाफट से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले कुटिंग का बैटर बनाएंगे। इसके लिए एक कप सूजी लेंगे, हाफ कप दही लेंगे, एक कप पानी लेंगे, हाफ टी स्पून नमक ले लेते हैं। इसे किस तरीके से बनाते हैं। एक बॉल लेंगे बड़ा वाला, उसमें सूजी डाल देंगे, दही डाल देंगे, सूजी और दही को मिला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सूजी में दही को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। फिर से अच्छी तरह मिला लेंगे। मैंने इसमें हाफ कप पानी ऐड किया है, अच्छी तरह मिला लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे स्टफिंग। स्टफिंग के लिए एक कप हरे मटर लेंगे, एक प्याज को फाइन चॉप कर लेंगे, दो छोटे बॉईल किए हुए आलू को ग्रेट कर लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे, 5 से 6 लहसुन कद्दूकस किए हुए, हरी मिर्च फाइन चॉप की हुई लेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा लेंगे, 4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 4 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे, काली मिर्च लेंगे, 8 से 10 काली मिर्च को क्रश कर लेना है। मिला करके रेसिपी शुरू करते हैं। फ्लेम को ऑन करके एक पैन रख देंगे। पैन में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही तड़कने लग जाए इसमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाल देंगे। आप चाहो तो फाइन चॉप किया हुआ भी लहसुन ले सकते हो। फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। सॉटे करेंगे, कुछ सेकंड भून लेंगे, तब तक जब तक कि लहसुन का कच्चापन ना खत्म हो जाए। अब ऐड करेंगे फाइन चॉप की हुई प्याज। प्याज को सॉफ्ट और हल्की गुलाबी होने तक भून लेना है। प्याज को लाइट पिंक होने तक हमने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरे मटर। मटर को प्याज के साथ कुछ सेकेंड भून लेंगे और इसे ढक कर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं प्याज अच्छी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। हल्दी पाउडर डाल देंगे, रेड चिली पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे। नमक डाल के अच्छी तरह हिला लेंगे। लो फ्लेम पे 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। इसे फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमें इसे ठंडा करके पीस लेना है, तो इसे ठंडा होने रख देते हैं। ये देखिए बैटर ठंडा हो गया है, तो हम एक मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लेना है। ठंडा किया हुआ बैटर मिक्सी जार में डाल के बिना पानी डाले इसे पीस लेना है। ये देखिए बैटर पीस लिए है। अब हम एक बड़ा बोल लेंगे। बोल में ये पिसा हुआ बैटर डाल देंगे। हरे मटर का जो बैटर हमने पीस लिया है वो डाल देंगे इसमें। हरे मटर का जो बैटर था उसे हमने एकदम फाइन पेस्ट नहीं किया है, थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। और इसमें ग्रेट किया हुआ, बॉईल करके ग्रेट किया हुआ आलू इसमें डाल देंगे। हरे मटर के पेस्ट में आलू को अच्छी तरह मिला लेना है। अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसमें काली मिर्च क्रश करके डालेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 7 से 8 काली मिर्च क्रश करेंगे, इतना ही डालेंगे। अच्छी तरह मिला लेना है। अब इसे साइड में रख देते हैं और देख लेते हैं जो हमने बैटर को रेस्ट के लिए रख दिया था सूजी और दही को मिलाकर। ये देखिए दही में सूजी अच्छी तरह से फूल गई है। बैटर थोड़ा ठीक लग रहा है, तो हम इसमें 1/2 कप जितना पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा। अच्छी तरह मिला लेंगे इसे। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, बेकिंग सोडा भी डाल देंगे, हल्का सा मिला लेंगे इसे। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं, तो चलिए हम जल्दी से रेसिपी बनाने लेते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे एक पैन रख देंगे। 2 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए उसे थोड़ा फैला लेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। 1 सर्विंग स्पून जितना बैटर इस पे डाल के थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। हरे मटर का जो पिसा हुआ बैटर है उसे ले लेंगे, हाथ की हेल्प से उसकी टिक्कियाँ बना देंगे।
पतली पतली टिकिया बनाएंगी इस तरह चपटा करके और इसे बीच सेंटर में रख देंगी। अब इस पर हम फिर से सूजी का जो बैटर है वो हल्का सा पतली सी लेयर लगा देंगे, सब तरफ फैला देंगे। सब तरफ से फैलाने के बाद इसे ढक कर 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। अब हम इसे पलटा देंगे। पलटाने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। फिर से हम इसे ढक कर 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इसे गोल्डन कलर आ गया इस पर और ये अच्छी तरह पक गया है। अब पैन में 2 टीस्पून तेल डाल के इसी तरीके से और एक हम बना लेंगे। सूजी का बैटर डाल देंगे, फैला लेंगे। हरे मटर का जो हमने बैटर बनाया था उसकी टिक्की बना के उसके पतला जैसा फैला लेंगे और बीच सेंटर में रख देंगे। ये देखिए इस तरह बना के सूजी के बैटर में बीच सेंटर में रख देना है। ये जो हरे मटर की स्टफिंग है इस पर हम फैला लेंगे सूजी का बैटर। पतली लेयर ही लगानी है, ज़्यादा थिक नहीं करना है। अब इसे ढक के 3 मिनट पकाएंगे। सॉरी इसे पलटा के बताते हुए मिस हो गया है। अब हम इसे जल्द से हटा के 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसे फिर से रख देंगे और ढक के 2 मिनट पकाएंगे। मिनट हो चुके, देख लेते हैं। माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे और ये हेल्दी सा नाश्ता अब हम सर्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए हेल्दी सा नाश्ता बनके रेडी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बाजार से ब्रेड ला के खाए ब्रेकफास्ट में, उससे अच्छा है कि आप इस तरीके से हेल्दी नाश्ता बना के खाए। हेल्दी खाएं, सेफ रहे। आप इसके साथ हरी चटनी, रेड चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यकीन मानिए इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। आपको ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।